हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वेज हाउस। आज हम बनाएंगे ककड़ी का रायता, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है और ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए अब ककड़ी का रायता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। मैंने एक कटोरी दही लिया है, उसमें आधी कटोरी पानी मिला के अच्छे से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आपको इस तरीके से रखनी है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से फेंट लेना है इसको। एक ककड़ी ली है मैंने, ये बीज वाली ककड़ी नहीं है, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है, ये खाने में टेस्टी लगती है। तो ये वाली एक ककड़ी लेनी है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, एक बड़ी चम्मच चीनी ले लेंगे, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और धनिया ले लेंगे। तो सबसे पहले हम ककड़ी को छील के उसको घीस लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आगे और पीछे का पार्ट निकाल देंगे इस तरीके से, दोनों साइड का पार्ट निकाल लेंगे और इसको पिलर की मदद से इस तरीके से हम छील लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो ये पूरी ककड़ी छील ली है, अभी एक छोटी घिसनी से घिस लेंगे। तो इस तरीके से किसनी से किस लेना है इसको अच्छे से। आपके पास बड़ी किसनी हो तो उससे भी जल्दी हो जाता है, उससे भी आप घिस सकते हो। तो अभी हमारी ककड़ी पूरी घिस गई है अच्छे से। तो अभी इसको हम दही में मिक्स कर लेंगे। तो दही हमारा रेडी है, तो इसमें हम पहले ककड़ी डाल देंगे पूरी। ककड़ी डाल दी, अब सारे मसाले डालेंगे। तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक बड़ी चम्मच चीनी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी स्किप कर सकते हो। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, अभी थोड़े हम धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमारा रायता बन के रेडी, इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे और इसको एकदम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो मैंने सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लिया है, अभी इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे हम। तो सबसे पहले थोड़े से धनिया डालेंगे ऊपर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे और ककड़ी की स्लाइस करके रखी इस तरीके से वो डाल देंगे। तो अभी हमारा रायता बनके रेडी है, बहुत ही यम्मी दिख रहा है और बहुत ही जल्दी बन गया है। तो फ्रेंड्स, आप ये घर पे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका ये रायता कैसा बना। अगर आपको इसके बारे में कोई सुझाव या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।